अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो जब आप इस तरह से पकौड़ा बनाएंगे तो समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे, इतना चटपटा सा बनता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम ऐड करेंगे 2 कप भर के मैदा। पहले हम मैदे को छान लेते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेते हैं और 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे। जीरे को हाथों से क्रश करते हुए डालेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टीस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट सा हमें डो बनाना है। ज़्यादा हमें हार्ड भी नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है। यहाँ पर डो जो है बनकर रेडी हो चुका है। हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम 4 से 5 टीस्पून मैदा ऐड करेंगे। मैदे में हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1 कप भर के हम इसमें पानी डालेंगे। एक अच्छा सा हम इसका घोल बनाना है। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं 3rd स्टेप पे। तो यहाँ पर हमने लिया था 2 कप भर के मटर। तो मटर को हल्का सा हमने बॉईल कर लिया है। मटर जो है पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मटर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं आलू मैशर से। आप चाहें तो इमाम दस्ते में भी आप इसे कूट सकते हैं। तो यहाँ पर मटर जो है पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम लेंगे बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पर 2 कप के करीब हम आलू भी ऐड करेंगे इसमें। आलू को हमने प्रेशर कुकर में बॉईल करके और कलछे से इसमें कूट लिया है तो काफ़ी जल्दी वो मैश हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है और जो हम मसाला दिखाने का सीन रखे थे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो हमने इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने होममेड गरम मसाला लिया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब हम आटे का डो लेते हैं जो पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम आटे को 4 भागों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम 1 पे डालेंगे। बाकी का हम कपड़े से कवर करके रख देंगे ताकि आटा सूखे नहीं। इस पर हम कोरा आटा लगा लेते हैं और बड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। ना तो हमें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही हमें ज़्यादा पतला रखना है। जब रोटियां बन जाए तो हम इसके ऊपर रेडी के बाद स्टफिंग लगाएंगे चारों तरफ इस तरह से फैलाते हुए। तो स्टफिंग को हमें पूरा बराबर रखना है, एक बराबर करना है, मोटा पतला नहीं करना है। तो आप स्पेटुला से या फिर हाथ से अच्छी तरह से बराबर कर दें। यहाँ पर स्टफिंग जो है एक बराबर लग चुका है। तो अब हम इसके किनारों पर हल्का सा पानी लगाएंगे और एक साइड से हम इस तरह से रोल बनाते जाएंगे। एक टाइट रोल बनाना है हमें और साइड में हमने पानी लगा दिया था तो वो अपने आप ही चिपकते जाएगा। बस आप हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दें और साइड का पार्ट कुछ इस तरह से हम चिपकाएंगे। अब हम इसे चाकू से काट लेते हैं, पतले पतले पीसेस कट करेंगे। आप मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट थोड़ा पतला रहता है तभी अच्छी तरह से फ्राई भी होता है। और आप इस तरह से बनाकर कंटेनर में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो तो आप तुरंत इसे चाय के साथ फ्राई करके लीजिए, काफ़ी टेस्टी लगता है ये। अब एक एक टिक्की को उठाएंगे, हल्के हाथों से हम इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो है ना काफ़ी यूनिक रेसिपी। तो अगर आप चाहें तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं या फिर आप फ्राई करना हो तो हम वो भी आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर एक ट्रे में हमने ऑयल लगाकर इसमें सेट कर लिया है। हल्का सा ऑयल हम इसके ऊपर भी लगा देंगे ब्रश की मदद से। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए रखते हैं। बीच में हम चेक कर लेंगे, अगर ये अच्छी तरह से बेक हो जाएगा तो 7 से 8 मिनट पर हम इसे चेक करेंगे। उसके बाद हम इसे निकालेंगे। सेम उसी तरह हम दूसरा रोटी बनाएंगे, इसका भी रोल बनाकर हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। हमने घोल जो है पहले ही बनाकर रखा था मैदे का। तो एक एक टिक्की को उठाएंगे और उसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम घोल में डिप करेंगे। इसके ऊपर मैदे की अच्छी तरह से कोटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे और ऑयल को पहले अच्छी तरह से हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक एक टिक्की डिप करते हुए हम पकोड़े की तरह से फ्राई कर लेते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह से हीट हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करते हैं तो अंदर तक काफ़ी क्रिस्पी फ्राई होता है।
और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये काफ़ी अच्छा सा इसके ऊपर कलर आने लगा है। तो चारों तरफ हम इस तरह से घुमाते हुए अच्छा सा कलर आने देते हैं। उसके बाद हम इसे एक जाली में निकालेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो इसी तरह से बाकी की सफ़ेद टिक्कियाँ हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, जो हमने ओवन में रखा था वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे 8 मिनट में ही निकाल लिया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरह से पक भी चुका है। अगर आप हल्का सा सॉफ्ट चाहते हो तो आप इसे 6 मिनट में भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर इसका टेस्ट भी एकदम भाखरवाड़ी जैसा लगता है। अगर आपको भाखरवाड़ी पसंद है तो आप इस तरह से एक अलग तरीके से आप बनाकर देखें। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खाइए। बहुत ही चटपटा सा बना है ना, काफ़ी यूनिक रेसिपी। तो आप लोग भी इसे ट्राई करें, फैमिली के साथ इंजॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।